नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली जी के क्विज में। दोस्तों, आज जी के टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग बात करेंगे सेट 38 की। अगर दोस्तों आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। पूरे ध्यान से देखा कीजिए वीडियो को, वीडियो से आपका स्टैटिक जी के मजबूत होता है। और दोस्तों, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस वीडियो के अंत में मैं आपसे एक सवाल भी पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, क्योंकि जो चीज़ें आप एक बार लिख देते हैं उसे आप कभी नहीं भूलते। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, अलीनगर की संधि पर कब हस्ताक्षर हुए? व्हेन वॉज द ट्रीटी ऑफ अलीनगर साइंड? वो साइन हुआ था फरवरी 1757 में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? हु एमोंग द फ्लोइंग ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर? तो वो था मीर कासिम। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मीर कासिम ने अपना दरबार कलकत्ता के इस स्थान को स्थानांतरित किया? मीर कासिम मूव्ड हिज कोर्ट टू दिस प्लेस ऑफ कलकत्ता? तो स्थानांतरित किया मुंगेर में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लंदन में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? विच ऑफ द फ्लोइंग वॉज द एम्पायर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द ब्रिटिश इंडिया कंपनी इन लंदन? वो था अकबर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना स्वामी हु कंपोज द गायत्री मंत्र? तो गायत्री मंत्र की रचना की थी विश्वामित्र ने। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में खालिस्थान सूक्त हैं? इन द ऋग्वेदा फिल द ब्लैंक्स देयर आर सूक्त? तो है 1028 सूक्त। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? हु वॉज द फाउंडर ऑफ द नंद डायनेस्टी? नंद वंश का संस्थापक था महापद्मनंद। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? व्हेन डिड अलेक्जेंडर इन्वेड इंडिया? तो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया 326 ईसा पूर्व। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? वेयर डिड महावीर डाई? तो महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, महावीर का मूल नाम था? महावीर्स ओरिजिनल नेम वॉज? तो महावीर का जो मूल नाम था वो वर्धमान था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका है? ह्यूमन इज द लॉन्गेस्ट सेल इन द बॉडी? तो वो है तंत्रिका कोशिका। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य त्वचा की परत को जल के लिए अभेद्य बनाता है? विच ऑफ द फ्लोइंग सब्सटेंसेज मेक्स द स्किन लेयर इम्परमेबल टू वाटर? तो वो बनाता है किटिन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस को उत्तम कोलेस्ट्रॉल माना जाता है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज कंसिडर्ड द बेस्ट कोलेस्ट्रॉल? तो HDL को सबसे उत्तम कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? विच डायनेस्टी रूल्ड इंडिया आफ्टर द शुंग डायनेस्टी? तो शुंग डायनेस्टी के बाद कौर्व डायनेस्टी ने भारत पर राज किया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसने पाटलिपुत्र को पोलिब्रोथा कहा? हु कॉल्ड पाटलिपुत्र एज पोलिब्रोथा? तो मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को पोलिब्रोथा कहा था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आईने अकबरी का लेखक है? द ऑदर ऑफ आईने अकबरी इज? तो आईने अकबरी का लेखक जो है वो अबुल फजल है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पुणे कभी की राजधानी के रूप में जाना जाता था? पुणे वाज वंस नोन एज द कैपिटल ऑफ
पुणे जाना जाता था पेशवा की राजधानी के नाम से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम था। तानसेन द मोस्ट फेमस कंपोजर इन अकबर्स कोर्ट वाज ओरिजिनली नेम्ड, तो वो था रामतनु पांडे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? हु ट्रांसलेटेड द रामायण इन टू पर्शियन, तो रामायण का फारसी में अब अनुवाद बदायूनी ने किया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? हु कैन कॉल अ ज्वाइंट सेशन ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, तो वो बुला सकता है राष्ट्रपति। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संसदीय प्रकार की सरकार में वह बराबर वालों में पहला होता है, वह कौन है? इन अ पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट ही इज फर्स्ट अमंग इक्वल्स, हु इज ही, तो वो होता है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सॉरी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच कितना अंतर होना चाहिए? व्हाट शुड बी द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन एंड सेकेंड नो कॉन्फिडेंस मोशन, तो पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच 6 महीने का अंतर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मनुष्य की लार में पाया जाने वाला एंजाइम है, व्हाट इज द एंजाइम फाउंड इन ह्यूमन सलाइवा, तो मनुष्य के लार में पाया जाने वाला जो एंजाइम है वो है एमिलेस। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मानव त्वचा का रंग बनता है, ह्यूमन स्किन कलर इज फॉर्म्ड, तो मानव त्वचा का रंग जो बनता है वो मेलानिन से बनता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी भी पाचक एंजाइम का श्रवण नहीं करता? विच वन ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट सेक्रेट एनी डाइजेस्टिव एंजाइम्स, तो वो नहीं करता, क्षुद्रांत की ग्रंथियाँ किसी भी एंजाइम का श्रवण नहीं करती। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यापारिक शक्तियों में से किसे 1717 ईस्वी में चुंगी अदा करने में छूट दे दी गई थी? विच ऑफ द फ्लोइंग ट्रेडिंग पावर्स वाज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्स इन 1770, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।